शांति दो मिनट पहले मेडिटेशन में बैठते कंफर्टेबल होकर बैठे मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें अपने को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का पिता मेरा पिता परमात्मा है जीवन की यात्रा में मैं अकेले नहीं भगवान जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा साथी है संकल्प ही कितना हल्का कर देता है गोड़ों का सागर प्यार का सागर शक्तियों का भंडार मेरा है मेरा पिता है उसके प्रॉपर्टी पर मेरा हक है इसलिए कभी भी अपने को अकेला ना समझे सर्वशक्तिवान पर अधिकार रखे में कोई भी बात है तो सबके साथ शेयर करने के बजाय पहले उसके साथ शेयर करें हर बात उसको बताएं और मन को खाली करके वो क्या कहना चाहता है उसको महसूस करें जीवन में अकेले चलने से डर लगता है लेकिन जब सर्वशक्तिवान साथ है उसकी दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है कोई डर की बात नहीं पहाड़ जैसी बात भी छोटी हो जाती है लेकिन जरूरी है कि हम उससे रिश्ता जोड़कर अपने अंदर वो शक्ति भरे जरूरी है कि हम अपनी बैटरी को उससे कनेक्ट करके हर रोज अपने को चार्ज करें ओम शांति ओम शांति ज़रूरी है ना बैटरी चार्ज करना कब 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 हर रोज़ हर रोज़ में भी कितनी बार फोन के बैटरी हर रोज़ कितनी बार चार्ज करते हैं दो तीन बार कर लेते हैं तो ये भी दो तीन बार चार्ज कर लेना चाहिए कि नहीं समय निकालना चाहिए अपने लेके नहीं निकालना चाहिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि याद करना नहीं पड़ता है याद आएंगे जिस चीज़ से प्राप्ति होती है ना उसको याद करना नहीं पड़ता बुद्धि बार बार वहाँ पर जाती है क्योंकि पता है कि वहाँ उसको याद करते हैं तो प्यार भी एक्सपीरियंस होता है शक्ति भी एक्सपीरियंस होती है जहाँ से कुछ मिलने लगेगा वहाँ पर उसकी याद तो आएंगे ना जैसे रोज़ आप देखेंगे कि अभी आपको कई दिन हो गए आते आते तो जैसे समय होने लगता है तो बुद्धि इधर आने लगती है कि नहीं थोड़ा समय पहले होने लगता है ना बस जाना है जाना है और कोई फोर्स भी नहीं कर रहा है कोई फीस भी नहीं भरी है लेकिन फिर भी रोज आने की दिल क्यों करती है अच्छा लगता है न अच्छा लगता है प्राप्ति होती है पीस एक्सपीरियंस होता है वरना जहाँ से हमें कुछ मिलता है हम उस तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लग जाते हैं ऐसे शुरू में तो परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने की मेहनत करनी पड़ती है किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ने की तो मेहनत करनी पड़ती है ना आज एक बच्चा और पेरेंट भी है तो भी रिश्ता जोड़ने की मेहनत करनी पड़ती कभी कभी आप देखो किसी बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स एक है मैंने जिन्होंने जन्म दिया वो एक है लेकिन जिन्होंने पालना करी वो दूसरे हैं किसी ने अडॉप्ट कर लिया या जो भी कहें तो उसका रिश्ता किससे जुड़ जाता है जिन्होंने पालना करी भले जिसने जन्म दिया है वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं पर कोई आपस में मिलना ही नहीं हुआ बात ही नहीं हुई उन्होंने इसके ऊपर कोई मेहनत ही नहीं करी कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ तो रिश्ता नहीं जुड़ता ना जन्म दिया तो भी रिश्ता नहीं है लेकिन जिसने अडॉप्ट किया उसने समय लगाई शक्ति लगाई नरिश किया पालना दी तो उसके साथ क्या होता है रिश्ता जुड़ता है माना भले पेरेंट चाइल्ड भी है लेकिन रिश्ता जोड़ने की मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा समय रिश्ता जोड़ना पड़ता है ऐसे नहीं हम कह सकते नहीं नहीं हमारा रिश्ता तो है ही आज किसी के साथ हमारा रिश्ता हो भी लेकिन अगर हर रोज़ हम उसको समय नहीं दें हर रोज़ उससे बात नहीं करें तो वो रिश्ता धीरे धीरे कैसे हो जाएगा कमज़ोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कई बार आप देखो कॉलेज में हमारे फ्रेंड्स होते हैं बहुत प्यारे होते हैं हमने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है हमारा बहुत अच्छा प्यारा सा रिश्ता उनके साथ होता है कभी कभी हमें लगता है कि नहीं नहीं हम आगे भी जाएंगे ना लेकिन इनके बिना रह नहीं सकते इनके साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे फिर थोड़े समय के बाद क्या होता है कई सालों के बाद अगर हम उनके साथ कॉन्टैक्ट बना करके न रखें तो वो रिश्ता धीरे 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 कमज़ोर होने लगता है कि नहीं होने लगता फिर कहेंगे क्या बात करें कुछ बात करने के लिए नहीं है जिनसे रोज बात करते हैं उनसे बार बार बात करने के दिल होती ऐसा होता है कि नहीं होता कोई फ्रेंड है कोई पेरेंट है कोई भी बात होगी उसके साथ शेयर करने के दिल करती सुबह भी उससे बात कर लेंगे शाम भी उससे बात कर लेंगे रात भी उससे बात कर लेंगे क्योंकि उसके साथ रिश्ता है अब किसी से रोज़ रोज़ बात ही नहीं करते वो कनेक्शन नहीं है रिश्ता नहीं है तो फिर इतने दिन के बाद भी फ़ोन मिला हो तो समझ में नहीं आता ना कि उनसे ना। क्या बात करें ऐसे भले परमात्मा है हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो हमारे सारे रिश्ते आपके साथ हैं पर वो रिश्ता जोड़ने की मेहनत करनी पड़ती है और रिश्ता कैसे जोड़ेगा किसी के साथ यहां पर भी आपको रिश्ता जोड़ना हो कैसे जोड़ेंगे रिश्ता बात करने से सिंपल देखो कितना सिंपल है कोई परमात्मा से रिश्ता जोड़ने के लिए या परमात्मा से बात करने के लिए या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत तपस्या करने की या मेहनत करने की जरूरत थोड़ी ना है जैसे किसी से रिश्ता जोड़ना है तो उससे बात करनी पड़ती ऐसे उससे रिश्ता जोड़ना है तो उससे भी बात करनी क्या बात करेंगे क्या बात करेंगे घर वालों से क्या बात करते हैं कुछ भी कुछ भी करते हैं ना कुछ फिक्स थोड़ी ना कि यही करनी है, ये नहीं करनी है। आज हस्बैंड वाइफ हैं मदर चाइल्ड हैं सोचते हैं क्या बात करेंगे बस बैठते हैं और कुछ भी बात करते हैं ना जो मन में है जो दिल में है कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करते हैं कुछ अच्छा हमारे साथ हुआ है तो शेयर करते हैं कोई नई बात है तो शेयर करते हैं कुछ भी बात करते हैं ना ऐसे वो भी परमात्मा है उससे क्या बात करनी है कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी देर बात करनी है कितनी देर बात करनी है जितनी देर कर सको आ दस मिनट कर सकते हो दस मिनट कर लो एक घंटा कर सकते हो एक घंटा कर लो कोई फिक्स थोड़ी ना है कि उससे कितनी बात करनी है लेकिन कॉन्वर्सेशन तो करो ना अब ये जो कॉन्वर्सेशन है ये फिजिकल लेवल पर नहीं है लेकिन ये किस लेवल पर है मेंटल लेवल पर हमारा जो कम्युनिकेशन परमात्मा के साथ है क्योंकि वो भी चैतन्य शक्ति है हम भी चैतन्य शक्ति हमारा कनेक्शन उसके साथ जो है वो थॉट्स के लेवल पर है वर्ड्स के लेवल पर नहीं है हमने देखा यहाँ भी हमारे थॉट्स किसी को पहुँचते हैं कि नहीं पहुँच जाते वाइब्रेशन के रूप में पहुँच जाते हैं ना थोड़े दिन पहले हमने टेलीपैथी का देखा था कि किसी के साथ रिश्ता हो यहाँ कोई सोचता है उसको वो थॉट वहाँ पर पहुँच जाता है अगर रिश्ता है अगर ये भी उसके बारे में सोच रहा है ये भी उसके बारे में मदर भी चाइल्ड के बारे में सोच रही है चाइल्ड भी मदर के बारे में सोच रहा है तो कभी कभी अगर दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बहुत अच्छी रिलेशनशिप है तो एक दूसरे को बात भी नहीं करनी पड़ती लेकिन ये जो सोचते हैं उसका वाइब्रेशन इनको जाता है इनका वाइब्रेशन इनको है कई बार ऐसा होता है ना हम किसी को कहते हैं अरे मैं आपको फोन करने ही वाला था और सामने से उनका फोन आ जाता है कहते हाँ मुझे भी आपकी याद आ रही थी मना याद से याद मिलती है याद से याद मिलती है तो हमारा कनेक्शन जो परमात्मा के साथ है वायरलेस वायरलेस आजकल वायरलेस कनेक्शन होते हैं कि नहीं होते आजकल तो इस दुनिया में भी कितने वायरलेस कनेक्शन दिखाई देते हैं कि नहीं अभी ये दो फोन है हम कहते हैं फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए ब्लूटूथ ऑन करते हैं फिर इनको ढूंढते हैं कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते क्या होने लग जाता है इधर का डेटा इधर डाउनलोड होने लग जाता है अब अगर ये कनेक्ट करेंगे तो क्या होने लगेगा उधर का सारा डेटा उधर का सारा डेटा यहाँ डाउनलोड होने लगेगा बुद्धिवानों का बुद्धिवान है अगर उसका डेटा डाउनलोड होने लग जाए तो हमारी बुद्धि भी कैसी होने लग जाएंगे? होने लगेंगी ना सदबुद्धि होने लगेगी ना इंटेलेक्ट डिफाइन और रिफाइन तो अपने आप होने लगेंगे मन अपने आप शांत होने लगेगा। आज एक प्रॉब्लम जो सब कहते हैं एकाग्रता नहीं है एकाग्रता नहीं है कंसंट्रेट नहीं कर पाते छोटे छोटे बच्चे भी कहेंगे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते कंसंट्रेशन है ही क्या कंसंट्रेशन का मतलब ही है कि मन और बुद्धि हमारे अनुसार चलती मन सोचता है और बुद्धि उस चीज़ को देखती है जैसे अभी अभी मैं कहूँ आप अपने घर को देखो तो दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा है ना तो मन ने कहा घर और बुद्धि ने घर को देखा ऐसे ही मन कहे कुछ भी मन कोई भी थॉट कोई भी वर्ड भी क्रिएट करे मन ने कहा एप्पल तो बुद्धि एप्पल को देखती है मन ने कहा मेरा बच्चा बुद्धि बच्चे को देखती मना मन जो संकल्प करता है बुद्धि उसको देखती जाती है पर कभी कभी जब बच्चे पढ़ते हैं या हम योग में बैठते हैं तो मन वो पढ़ रहा है हिस्ट्री की किताब और बुद्धि क्या कर रही है बुद्धि साहब जगह कुछ 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 देख करके आ रही है कल क्या हुआ था वो पार्टी में क्या हुआ था वो फलाने ने तो बुद्धि कुछ और देख रही है फिर हम कई बार कहते हैं ना मैं पढ़े जा रहा हूँ पढ़े जा रहा हूं पर मुझे कुछ भी अब्जोर्व नहीं हो रहा है या याद नहीं रह रहा है क्योंकि मन पढ़ रहा है लेकिन बुद्धि तो कहीं और ही घूम करके आ रही है कई बार तो बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ब्रेक लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा अब जब वो ब्रेक लेते हैं तो मेजोरिटी ब्रेक के समय क्या करते हैं या तो फोन देखेंगे या फिर टीवी है ना समझते पांच मिनट का भी ब्रेक ले रहे हैं अब आप देखो होता क्या है आपने पांच मिनट भी फोन देखा उसमें इंफॉर्मेशन ली या पाँच मिनट भी टीवी देखा पाँच मिनट ज़्यादा नहीं अब जो टीवी में अभी आज डिटैच होकर देखना जो स्क्रीन पर इमेजेस चलती है ना वो कितनी देर में चेंज होती है पहले वो समझते थे कि हमारी कंसंट्रेशन इतनी है कि हम सिक्स सेकंड्स तक एक इमेज देख सकते हैं लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने देखा कि हमारी एकाग्रता इतनी कम होती जा रही है कि वो सिक्स सेकंड से फाइव हुआ फोर हुआ थ्री हुआ अभी कितना सेकंड? वन सेकंड। तो वन सेकेंड के अंदर अंदर वो इमेजेस चेंज होती जाती है कि हमारा अटेंशन रहे अगर वो इमेज इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो तो हम चैनल चेंज कर देंगे तो हम चैनल चेंज नहीं करें तो वो जल्दी जल्दी इमेज चेंज कर दें अब अगर आपने पांच मिनट टीवी देखा तो आपने कितनी इमेजेस अंदर ले ली कितनी इमेजेस ले ली अंदर हंड्रेड ले ली कि नहीं कितनी सारी इमेजेस अब हमने फाइव मिनट का ब्रेक लिया और हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए वापस सोचो so, क्या होगा अब कितनी देर तो लग जाएंगी कि मन पढ़ता रहेगा लेकिन बुद्धि क्या करेगी वो सारी इमेजेस जो हमने देखी है बुद्धि उसको प्रोसेस करेगी और बुद्धि वहां पर जाएंगे थोड़ी देर तक होगा ऐसे अब वो हमारा पांच मिनट का ब्रेक पता है कितनी देर में बदल जाएगा आधा पौना घंटा हमें लग जाएगा उसको प्रोसेस करने में और फिर हम कहेंगे पता नहीं मेरे को कंसंट्रेट नहीं होता है मुझे एकाग्र नहीं होता है इतनी इन्फॉर्मेशन अंदर लेंगे तो बेचारे मन को तो प्रोसेस करना पड़ेगा ना आप खाना खाओगे तो बॉडी को तो उसको डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा ना उसको कहने मुझे देखना है लेकिन तुम इन्फ्लुएंस नहीं करना ऐसे नहीं होता है आपको मुझे जंक फूड खाना है मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है पर मेरी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए मेरी बॉडी को उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए ऐसे तो नहीं हो सकता ना अगर हम जंक खाएंगे या कुछ ऐसा खाएंगे जो अनहेल्दी है तो बॉडी को तो उसको फिर जो भी उसको फाइट करना कहें या अब्जॉर्ब करना कहें करना तो पड़ेगा ना इसलिए जब हम ब्रेक भी लेते हैं ना तो हमें कुछ प्रोडक्टिव ब्रेक लेना चाहिए <laughs> हम ऐसे ही फाइव मिनट साइलेंस में बैठे या हम जरा सा कोई म्यूजिक सुन ले या कुछ भी ऐसा जिसमें हमारा मन स्लो डाउन करे हमारा मन रिलैक्स करे ये नहीं कि हमारा मन और फास्ट चलने लग जाए अगर हम पाँच मिनट मेडिटेट भी उस समय करते हैं अपने को याद भी दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ कैसी आत्मा हूँ मेरा साथी कौन है तो ये भी मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है मेरे स्वमान को बढ़ाती है हम लौट करके जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाती है इनिशियली तो परमात्मा को याद करने में भी कॉन्सेंट्रेशन लगती है मन बुद्धि को साथ में तो काम करना पड़ेगा ना नहीं तो कई बार भक्ति में भी मंत्र जाप आदि करते हैं ना। एक फॉर्म मेडिटेशन का मंत्र जाप करना भी है तो जब मंत्र जाप करते हैं तो वो क्या करते हैं कोई एक मंत्र ले लेते ले हैं और उसको रिपीट करते जाते हैं यही तो करते हैं ना अब वैसे तो मंत्र जाप का जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि मुख रिपीट करता जाता है और मन सब तरफ होकर के आ जाता है होता है ऐसा कि नहीं हो जाता एक्चुअली अगर मुख रिपीट करे और मन उस शब्द के अर्थ में स्थित हो क्योंकि वो जो वर्ड होगा ना वो कई बार बहुत पावरफुल होता है चाहे ओम है या कुछ भी है वो अपने आप में वर्ड बहुत पावरफुल है लेकिन उस पावरफुल वर्ड के अर्थ में काफ़ी समय तक स्थित होना इसमें क्या चाहिए एकाग्रता चाहिए बहुत फोकस चाहिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए जो है नहीं तो फिर मुख बोलता रहता है और मन सारे में फिर करके आ जाता है और फिर कहते हैं लेकिन कितना भी करें पर मुझे चार्जिंग अनुभव नहीं होती है चार्जिंग अनुभव हो रही है उसकी निशानी क्या है कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आत्मा की बैटरी बढ़ रही है क्या तरीका है फाइंड आउट करने का मेरा योग लग रहा है मुझे करंट मिल रहा है मेरी बैटरी चार्ज हो रही है कैसे फाइंड आउट करेंगे वेन वी आर हैप्पी ओके फ्रेश फील होगा ओके हाँ जी पेशेंस हमारा बढ़ने लग जाएगा, खुशी बढ़ने लगेंगी पेशेंस बढ़ने लगेगा, हमें हल्कापन लगेगा और हाँ जी कॉन्सनट्रेशन बढ़ेगा कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा वरना सिंपल सा तरीका फाइंड आउट करने का है कि हमें अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा है कि नहीं हमें हमारे अंदर जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो आप बीमार डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको दवाई देता है आपको कैसे पता चलता है कि ये दवाई ठीक है आपको कैसे पता चलता है दवाई ठीक है जब आपकी बीमारी ठीक होने लगे। नहीं तो वो डॉक्टर्स की कितनी भी डिग्री है वो कितना भी फेमस है और कितनों का उसने इलाज किया है जिनको उससे बेनिफिट हुआ है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए वो डॉक्टर कब अच्छा और ठीक है जब हमने उसकी दवाई खाई और हमारी बीमारी ठीक होने लगे तो हम कहते हैं नहीं दवाई भी ठीक है डॉक्टर भी ठीक है ऐसे परमात्मा भी रूहानी सर्जन है वो भी रूहानी किसका डॉक्टर है वो किसका डॉक्टर है वो आत्मा का डॉक्टर है अब आत्मा भी बीमारी लेकर के आती है ना हम आते हैं तो बीमारियां लेकर आते हैं कुछ कुछ के नहीं कौन सी बीमारी लेकर आते हैं कौन सी बीमारी लेकर आते हैं फियर एंगर एंजाइटी स्ट्रेस प्रेशर जेलसी ये भी बीमारियां अब ये बीमारी अगर हमारी ठीक होने लगे थोड़ी परसेंटेज में भी ठीक होने लगे माना डॉक्टर डॉक्टर भी ठीक है उसकी दवाई भी ठीक है ऐसे तो पहले अपने को कभी भी ये नहीं कहना है कि मेरा योग नहीं लगता है कईयों को ऐसा लगता है क्योंकि उनको लगता है योग माना मेरा हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन है मेरी बुद्धि जरा से भी भटकती नहीं है वो तो बहुत हाईएस्ट स्टेज है पर अगर हम एक मिनट के लिए भी कनेक्ट होते हैं ना एक मिनट के लिए भी वो सर्वशक्तिवान है साधारण थोड़ी ना एक मिनट के लिए भी अगर हम अच्छे से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर चार्जिंग आने लगती है अभी तो हमने इतना मेडिटेशन किया भी नहीं है लेकिन उसका ज्ञान भी हम सुन रहे हैं और उसको भी हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी हमें चेंज दिखाई देना शुरू हो गया है तो उसको याद करने के लिए एकाग्रता भी चाहिए और जो उसको याद करना है वो कैसे करना है बहुत प्यार से गॉड फियरिंग नहीं जो हमने कल भी देखा गॉड ना सब पुराना छोड़ने की ताकत आ जाती है आपने देखा है वो जैसे दुनिया में भी किसी को प्यार हो जाए फिर उसके लिए सैक्रीफाइस करना इजी हो जाता है ना सबको छोड़ने की ताकत आ जाती है ना हमें क्या छोड़ना है यहाँ पर हमें क्या छोड़ना है यहाँ पर हमें कोई अपनी कंफर्टेबल लाइफ नहीं छोड़नी है घर नहीं छोड़नी है गृहस्थी नहीं छोड़नी है ये सब छोड़ने की बात नहीं है कहीं बार स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर सोचते हैं ये कुछ छोड़ना है परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ छोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है और ही इन सबके बीच में रहना आप स्पिरिचुअलिटी को रियलिटी में टेस्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते आप सब छोड़ करके चले जाओ तो क्या क्या मेहनत करनी लोगों के साथ संस्कारों का टकराव होता है हम सबके बीच में रहते हैं तो कोई ना कोई बातें आती हैं तो इन सब के बीच में रह करके तो हम बहुत जल्दी एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर सकते हैं अगर हमने सबको छोड़ ही दिया और हम जा कर के किनारे हो के बैठ गए कोई पेपर ही नहीं आएगा तो फिर फिर तो कोई बात ही नहीं है एक्चुअली तो जब सारे पेपर आते हैं तो ही तो पता चलता है ना कि हम कितने स्पिरिचुअली या इमोशनली स्ट्रांग हैं तो कोई घर छोड़ने की बात नहीं है कोई कंफर्टेबल लाइफ छोड़ने की बात नहीं है कोई गृहस्थी छोड़ने की बात नहीं है छोड़ना है तो क्या छोड़ना है छोड़ना है तो क्या छोड़ना है किस चीज का सन्यास करना है वो सन्यास करते हैं ना तो परमात्मा कहते हैं वो हद का सन्यास करते हैं माना वो फिजिकल लेवल पर सन्यास करते हैं आपको बेहद का सन्यास करना है आपको अनलिमिटेड लेवल पर सन्यास करना है किसका अपनी कमजोरियों का हमारा दुख का कारण दूसरे लोग नहीं है कोई साधन नहीं है कई लोग कहते हैं अरे धन भी पता नहीं मोह माया है नहीं, नहीं नहीं धन माया नहीं है लेकिन धन कमाने का अगर तरीका गलत है उसके पीछे लोभ है या कुछ ना कुछ अनएथिकल है माना हमने कहीं गड़बड़ किया कहीं चोरी करी कहीं झूठ बोला कहीं रिश्वत ली अगर वो तरीका गलत है वो माया है बाकी कोई धन गलत नहीं है धन तो सुख देता है ना कोई साधन गलत नहीं है लेकिन साधन पर डिपेंडेंट हो जाना और कहना कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता और अगर ये चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मेरा मन डिस्टर्ब हो जाएंगा या दुखी हो जाएंगा ये माया है ये कमजोरी है डिपेंडेंसी इन्फ्लुएंस हो जाना या जो हमने बात करी फियर एंगर जेलेसी तो हमें ये सब कुछ छोड़ना है और कुछ फिजिकल लेवल पर छोड़ने की बात नहीं है बाकी तो जो जीवन है वो बहुत अच्छे जीवन है इसलिए आप देखें कि जब शिवरात्रि पर भी शिव के मंदिर में जाते हैं ना तो कौन सा फूल चढ़ाते हैं कौन सा फूल चढ़ाते हैं अख का फूल चढ़ाते अख का फूल चढ़ाते हैं एक्चुअली अख का फूल जहरीला होता है पर वो सिंबॉलिक होता है कि क्या चढ़ाना है अपने अंदर की कमियां पर वो तो वहीं रह जाती हैं, और हम महिमा बहुत कर लेते हैं हम परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं आप ऐसे हैं, आप ऐसे है। हमारी सारी प्रेयर देखे तो उसमें क्या आता है आप सर्वगुण संपन्न हैं गुड़ों में संपन्न है और अपने लिए क्या कहेंगे हम नीच हैं हम पापी हैं हम कपटी हैं आप हाईएस्ट हैं और हम कौन है अच्छा आप सोचो परमात्मा कहते क्यों ऐसे बोलते हो आज अगर आप बोलते जाएंगे ये भी तो एक प्रकार का स्वामान ही या ना एफर्मेशन ही हो गई मैं कौन हूं मैं नीच हूँ मैं कपटी हूं मैं पापी हूँ तो नहीं भी होंगे तो क्या हो जाएगा नहीं भी होंगे तो क्या वो चीज रिपीट करते 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 वो मेरी एफर्मेशन बन जाएंगी मेरा स्वमान बन जाएंगा मेरी स्थिति बन जाएंगी मेरे कर्मों में आने लगेगा वो कहता है आप ये सब कुछ थोड़ी ना हो आप तो बहुत विशेष हो बहुत महान हो अपने को ऑर्डिनरी भी क्यों समझते हो आप तो बहुत ऊंची आत्मा हो जैसा परमात्मा हम उसके बच्चे हैं ना अगर परमात्मा प्यार का सागर है तो हम कौन हुए आज अगर किसी का नाम है किसी का नाम है अशोक गुप्ता तो उसके बच्चे का नाम क्या होगा मास्टर गुप्ता ही होगा कि नहीं होगा तो अगर परमात्मा प्यार का सागर है तो हम कौन हुए मास्टर मास्टर प्यार के सागर हुए कि नहीं हुए अगर वो शांति का सागर है तो हम कौन हुए मास्टर शांति के सागर हुए कि नहीं हुए जो उसकी क्वालिटीज हैं वो ही तो मेरी है केवल हम भूल गए हैं और उसको क्या कर रहे हैं इमर्ज कर रहे है। तो वो कहते हैं कि सिर्फ महिमा नहीं करनी है महिमा बहुत करी है लेकिन अब महिमा करने के बजाय उसकी आज्ञा पर चले आज एक बच्चा है स्कूल जाता है टीचर की बहुत महिमा करता है आप बहुत अच्छे हो आप बहुत ऐसे हो आप बहुत सुंदर हो आप बहुत एजुकेटेड हो आप बहुत इंटेलिजेंट हो पढ़ता नहीं है रोज जाकर के बहुत महिमा करता है उसकी बहुत फ्लैटर करता है उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है उसको उस बहुत बहुत सब कुछ करता है लेकिन पढ़ता नहीं है वो टीचर कहती हाँ ये सब तो ठीक है लेकिन तुम पढ़ाई तो पढ़ो ना फिर वो अगले दिन जाकर खूब महिमा करता है पास होगा पास होगा तो हम भी जब भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं तो क्या करते हैं उसकी महिमा करते हैं कि नहीं आप ऐसे हो आप ऐसे हो आप ऐसे हो कोई भी प्रेयर देखे कितने सुंदर वर्ड्स होते हैं फिर वो कहेगा किसी को दुख नहीं देना किसी पर गुस्सा नहीं करना गाली देने वाले को गले लगाना जो ये ऊपर उपकार नहीं करता है उसके ऊपर भी उपकार करना यही वो कहता है ना टेन कमांडमेंट्स देख लो या कुछ भी है किसी भी आप शास्त्र की भी बातें देखो तो यही कहेंगे ना अपने नेवर को भी ऐसे प्यार करो जैसे अपने को प्यार करते हो किसी बात पिता को तो नहीं तो सारी बातें फिर ये आती हैं क्या करना चाहिए वो क्या करना चाहिए वो तो सारा बाजू में रह जाता है हम कहते हैं नहीं नहीं ये भी करना पड़ता है ये भी करना पड़ता है ये भी करना पड़ता है और फिर रोज सुबह जाकर के थोड़ी सी नियम से पूजा कर लेते हैं तो कैसे हमें चेंज दिखाई देगा उसमें भी कई बार थोड़ी सी डील भी करते रहते हैं। करते हैं थोड़ी सी डील कई बार आप मेरा ये काम कर दो तो फिर क्या हाँ ठीक बोला किसी ने फिर क्या करेंगे नारियल चढ़ाएंगे उसके साथ भी थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं वैसे थोड़ा बड़ा काम होगा तो क्या कहेंगे बड़ा काम होगा तो इतना चढ़ावा उससे बड़ा काम होगा तो परमात्मा है अच्छा वो नहीं, नहीं हमारा काम हुआ तो नहीं चढ़ाएंगे फिर उसको छोड़कर दूसरे के पास चले जाएंगे आज आपका ही बच्चा है कुछ मांगता है आप नहीं देते हैं ना कई बार सब कुछ तो नहीं दे पाते हम वो कोई चीज की डिमांड करता है आप नहीं देते हैं क्यों नहीं देते हैं दस साल का बच्चा है डिमांड करता है मुझे मेरे को अपना फ़ोन चाहिए आप कहते नहीं देते आप क्यों नहीं देते उसके लिए सही नहीं है ना उसको आदत पड़ जाएंगी इसमें उसकी भलाई नहीं है अभी उसकी एज नहीं हुई है कि वो कार चला सके और वो कहते नहीं मुझे कार चाहिए चाहिए आप कहेंगे अभी नहीं अभी पहले लाइसेंस बन जाए आपकी एज हो जाए वो कहने मुझे तो चाहिए चाहिए वहीं रुक जाए रोने लग जाए आपकी महिमा करने लग जाए कहे आप मुझे ये दे दो फिर मैं ये 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 करूँगा आप दे देंगे क्योंकि आपको पता है ना कि उसमें आपके बच्चे की भलाई है आपके न देने में उसकी भलाई है आपके देने में उसका नुकसान है तो कभी कभी अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम अपने को कहते हैं शायद इसमें मेरी भलाई होगी हम तो क्या कहते हैं कोई हमें कह देता है अच्छा यहाँ से मन्नत पूरी नहीं हुई ना वहाँ चले जाओ वहाँ पर हो जाती है हम कहते अच्छे वहां पर हो जाती है वहाँ चले जाते हैं हाँ हमें क्या हमें तो इससे मतलब है कि हमारा काम होना चाहिए यहाँ से हो वहां से जबकि गीता में लिखा भी हुआ है कि तुम मुझे सच्चे दिल से याद करेंगे ना तो सिर्फ तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी तुम कामना रहित हो जाएंगे कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारी सिर्फ कामना पूरी नहीं होगी तुम कामना रहित तुम डिजायर से ही फ्री हो जाएंगे ये कामना सारी होती किस लिए क्योंकि आत्मा अंदर से थोड़ी सी खाली है तो ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए जितना जितना वो भरने लगती है वैसी उसके डिजायर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है उसको कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस होने लगती है इसलिए बहुत प्यार से उसको याद करना है समझ से उसको याद करना है कि उसको याद करने से हमें अपने अंदर ताकत भरनी है आम, कुछ समय पहले मैं ट्रैवल कर रही थी उड़ीसा के साइड पर तो, तो उड़ीसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हम किधर जा रहे थे पर जो रास्ता था उसमें ना हर थोड़ी थोड़ी दूरी में मंदिर थे उड़ीसा वैसे भी काफ़ी रिलीजियस प्लेस है थोड़ी थोड़ी दूरी में मंदिर थे तो जो कार चलाने वाला भाई था जो टैक्सी में हम थे तो वो हर थोड़ी दूरी पर जब मंदिर आता था तो थोड़ी कार स्लो कर लेता था, था और फिर ऐसे करके जैसे हम कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम मंदिर में बाहर से ही ऐसा जोड़ देते हैं ना हम सोचते हैं कि रिस्पेक्ट के भाव से करते हैं पर हम थोड़ा सा बाव डाउन कर लेते हैं या हाथ जोड़ लेते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी दूरी में जब कार रुकती थी तो वो ऐसे करता था थोड़ी 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 देर के बाद स्लो डाउन करके लेकिन वैसे अगर आप उसको देखें तो वो पूरे टाइम चलाते समय तंबाकू खा रहा था फुल टाइम और उसकी ड्राइविंग भी थोड़ी सी रैश थी बना फास्ट चलाना और थोड़ा सा और बीच बीच में कोई फ़ोन आता था तो वो भी ले लेता था और कोई सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी तो मैं अंदर ही अंदर सोची थी ये भगवान को इतना तो याद कर रहा है लेकिन फिर भी ये कर्म ऐसे कर रहा है ये तम्बाकू भी खा रहा है ये गाड़ी भी तेज चला रहा है तो अगर अब कुछ हो गया तो फिर किसको ब्लेम करेंगे क्योंकि उसको हम कितना भी याद करें अगर हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे हम हर दस मिनट बाद भी उसको याद करें पर हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे इसलिए कहते हैं ना श्रीमत से किस्मत बनती है श्रीमत माना श्री जो हाईएस्ट है उसकी मत पर चलने से उसकी डायरेक्शन पर चलने से आपकी किस्मत श्रेष्ठ बनती है आपकी डेस्टिनी श्रेष्ठ बनती है तो अब हमारी किस्मत में सब अच्छा अच्छा हो उसके लिए हमें उस श्री की मत पर भी तो चलना पड़ेगा ना तो कई बार हम डायरेक्शंस पर नहीं चलते फिर जीवन में कुछ होने लगता है तो फिर हम उसको ब्लेम करने लगते हैं इसलिए वो एक जोक भी शेयर करते हैं सुना <laughs> कहते हैं एक बारी एक एक ड्राइवर और एक प्रिस्ट दोनों ने शरीर छोड़ा तो ऊपर पहुंचे तो ऊपर पहुंचे तो फिर जो गाड़ी चलाने वाला था उसको कहा हेवन में और जो प्रिस्ट था उसको कहा हेल में तो सोच में पड़ गए कि प्रिस्ट को हेवन में जाना चाहिए गाड़ी ड्राइवर को तो हेल में जाना चाहिए माना जो भी तो फिर उन्होंने को बताया कि जब गाड़ी चलाता था ना इतना फास्ट चलाता था कि हर एक पीछे वाले को कौन याद आता था हर एक के मुख से निकल जाता था ये भगवान बचा लेना और कहा जब ये पंडित या फ्रिस्ट जब भी कुछ ना कुछ सुनाता था, था तो सारे के सारे लोग सो जाते थे तो इसके कर्म करने से ज्यादा उन्होंने भगवान को याद किया पर ये जोक है भाव ये है कि हम उसको बहुत प्यार से याद करें भय से याद नहीं करें क्योंकि याद करने से क्या होता है हमारे अंदर शक्ति आती है एक तो उसको याद करने से जो हमने देखा कि हमारे संस्कार बदलने लगते हैं, हमारी आदतें बदलने लगती जो हमने देखा कि जो लोग समझते हैं कि आदत बदल ही नहीं सकती वो पहले तो फिजिकल रूप की भी आदतें बदलने लगती हमारी विल पावर बढ़ने लगती है हमारे अल्कोहल छोड़ना कोई भी प्रकार का एडिक्शन छोड़ना कोई भी हमारी हैबिट होंगी ना आप विल पावर रखेंगे हम लेट हो जाते थे टाइम पर आना उस तो आदत को हम चेंज कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर जो डीप रूटेड संस्कार है डीप रूटेड संस्कार चाहे क्रोध का है भय का है चिंता का है वो हम संस्कार चेंज कर सकते हमारी जो जर्नी यहाँ पर है वो केवल अच्छा फील करने की नहीं है लेकिन संस्कार चेंज करने से कर्म चेंज होते हैं संस्कार चेंज करने से कर्म बदलते हैं और अगर कर्म बदलेंगे तो डेस्टिनी चेंज होगी इसलिए हमें किसी के पास भी अपनी डेस्टिनी पूछने के लिए जाना नहीं है जाते हैं ना कई लोग जाते कि नहीं राहत देख दो ना सब ठीक है कि नहीं है फ्यूचर पूछने जाते हैं कि नहीं जाते है? वो फ्यूचर बता भी देते जो बताते हैं मानो सच भी बताते पर वो फ्यूचर बनाया किसने है हमने बनाया ना अपने कर्मों से हमारे ही कर्मों से वो लकीरें बनी होंगी ना मानो साइंस है उनके पास स्किल है उनके पास प्योरिटी है वो बता भी देते हैं पर वो चेंज तो नहीं कर सकते हमारे फ्यूचर को वो प्रिडिक्ट भी कर देते हैं पर चेंज तो नहीं कर सकते चेंज कौन कर सकता है जैसे कोई आजकल प्रिडिक्ट कर देता है जी इंग्लैंड इंडिया का मैच हो रहा है ना ये जीतेंगे या हारेंगे प्रिडिक्ट कर देते मानो वो प्रिडिक्ट कर देते हैं उनकी प्रडिक्शन कई परसेंट तक आप कह लो कि चलो ठीक भी होते होंगे वो अनुभवी है लेकिन प्रिडिक्शन और ट्रुथ में कुछ फर्क है कि नहीं प्रिडिक्ट माना ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ट्रुथ माना यही होगा प्रिडिक्शन किस बेस पर होती है डेटा पास्ट को देख करके उनके अनुभव के आधार पर पे उनके अभी करंट परफॉर्मेंस कैसी है उनकी प्रैक्टिस कैसी है उनकी फिटनेस कैसी है उनका इतने समय का रिकॉर्ड कैसा है इन सब चीजों को नजरअंदाज में रखते हुए वो प्रिडिक्ट करते हैं अच्छा वो प्रिडिक्शन है उस प्रिडिक्शन को चेंज कौन कर सकता है चलो वो टीम के लिए प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ये हारेंगे वो कहते हैं नहीं नहीं बहुत समय से मैच हार रही है इनकी फिटनेस भी ठीक नहीं है प्लेयर्स भी बहुत सारे इंजर्ड हैं इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है ये पिच ठीक नहीं है फलाना 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 ठीक नहीं है वो प्रडिक्ट कर देते हैं कि हार जाएंगे अब इस प्रिडिक्शन को चेंज कौन कर सकता है देखने वाला कि खेलने वाले अगर वो अपनी फिटनेस ठीक कर ले सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा ले ऐसी टीम बनाए जिसमें कोई इंजर्ड नहीं है फिटनेस लेवल को ठीक सब कुछ ठीक कर ले तो प्रडिक्शन चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ऐसे ही कोई हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है कर सकता है किस आधार पर कर रहा है हमारे आज के संस्कारों के आधार पर लेकिन अगर हम संस्कार बदल लें अगर हम संस्कार बदल लें तो हमारा भविष्य बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा लगता है बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा कौन बदल सकता है वो नहीं बदल सकते हैं हम बदल सकते हैं और उसके लिए चाहिए कि हम अंदर परिवर्तन लेकर के आए शॉर्ट टर्म नहीं लेकिन एट अ लेवल ऑफ हैबिट एट अ लेवल ऑफ संस्कार और उसके लिए चाहिए परमात्मा शक्ति वो अपनी शक्ति से नहीं होता है ये भी हमें कई बार ईगो रहती है मैंने भी जब जर्नी शुरू की थी ये भूल करी थी हम कई बार ज्ञान के आधार पर चलते रहते हैं परमात्मा को साथी नहीं बनाते हैं विल पावर से यह जर्नी करना आप थक जाएंगे मेहनत बहुत ज्यादा है प्राप्ति बहुत कम है लेकिन सुप्रीम पावर से यह जर्नी करना मेहनत कम मेहनत कम प्राप्ति बहुत ज्यादा दिन 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 आपको मैजिक दिखाई देने लगे जो कहेंगे ये परिवर्तन ही नहीं हो सकता वो परिवर्तन आप होते हुए देखेंगे क्योंकि हमारी खुद की पावर और उसकी पावर में फ़र्क होगा कि नहीं होगा आखिर तो वो सुप्रीम बींग है सुप्रीम पावर है इसलिए मुझे एकाग्रता से उसके साथ कनेक्शन जोड़ना ही है मैंने तो लाइफ में कईयों के एक्सपीरियंसेस सुने खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि परमात्मा कैसे मदद करता है एक भाई है अपने ही सेंटर का है उसको एक डिज़ीज़ है उस डिजीज़ का नाम है मस्कुलर डाइस्ट्रोफी सुना है आपने ये डिज़ीज़ ये डिजीज़ ऐसी होती है कि बर्थ से नहीं होती है थोड़े समय के बाद आपको पता चलता है जब आप दस बारह साल के होते हैं चौदह साल के होते हैं और उसमें जो आपका बोन स्ट्रक्चर है वो डिजेनरेट होने लगता है मतलब धीरे धीरे आपके जो बोन्स हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं मसल्स ख़त्म होने लग जाती दस बारह साल तक आपको पता नहीं चलता फिर धीरे धीरे पहले आपका चलना बंद हो जाता है फिर आपके हाथ फिर स्ट मतलब हर चीज़ टोटल स्टेप बाय स्टेप आप इमेजिन करो ये कैसी बीमारी होती होगी स्टेप बाय स्टेप आपके ब्रेन को छोड़ करके आपकी जितनी फिजिकल बॉडी है वो धीरे 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 और आपको पता है कि धीरे 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 अभी ये बंद होगा फिर ये बंद होगा फिर ये बंद होगा अब वो भाई को ये डिजीज निकली यही रहता है नज़दीक में तब तो वो ज्ञान में नहीं था लेकिन फिर उसको मेडिटेशन का पता चला उसने मेडिटेशन करना सीखा इसमें लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है कोई ट्वेंटी थ्री कोई ट्वेंटी फोर थोड़ी होती है क्योंकि पता ही है कि पूरा डीजेनरेट होने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है अब वो आप उसको देखेंगे वो इतना एंजल जैसा दिखाई देता है और जैसे ही पता चलने लगा कि मैं तो आत्मा हूँ ये तो मेरा शरीर है ये समझ मिलते कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है डेली मेडिटेशन करते करते अभी तो उसको भी कितने साल हो गए होंगे आठ दस साल मेडिटेट करते करते वो इतना हल्का और खुश रहता है और कुछ जो उसके जीवन की प्राप्तियां अगर मैं आपको बताऊं एचूरल साइंसेस आपने सुना है कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ होती है उसके कितने एग्ज़ाम होते हैं ट्वेंटी फाइव और पूरे भारत और पूरे विश्व में बहुत थोड़े से लोग हैं जिन्होंने ट्वेंटी फाइव के ट्वेंटी फाइव क्लियर किए उसमें से एक वो है ऐसी कंडीशन में वो बोल नहीं सकता है कोई साथ वाला है जो उसके लिए एग्ज़ाम लिख करके देता है वो टोटल बेड पर है टोटल टोटल पीछे वेंटिलेटर हमेशा रहता है पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए उसकी बॉडी में अगर कुछ चलता है तो वो उसके थम है और वो भी इतने वन इंच तक बस और कुछ नहीं चलता है और इमेजिन तो आप करो ना कि एक मक्खी भी बैठ जाए तो वो उठा नहीं सकता है कितनी है लेवल की डिपेंडेंसी है हमें ऐसी बीमारी हो जाए तो हमें तो सोच के ही लगता है कि कैसे करेंगे इतनी इंस्पिरेशन है और उसको पूछो तो कहते भगवान की मदद भगवान की मदद मदद क्या बीमारी तो है फेस तो करनी पड़ेंगे इलाज भी करना पड़ता है लेकिन उसका मन सफ़र नहीं कर रहा है मन में कोई लेवल की सफरिंग नहीं है और ही इतना ग्रैटिट्यूड है कि वो मुझे मिला है उसके आधार पर उसने अपनी लौकिक पढ़ाई भी पूरी करी थोड़े समय तक जॉब भी करी एक्चुरल साइंसेस वालों की तो सैलरी भी बहुत हाई होती है और अभी उसका सब इतना थम चलता है उससे भी वो हर वीक कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखता है उनों को अपने ही स्पिरिचुअल नॉलेज के और जो उसका क्या बोलते चैनल यूट्यूब पर चैनल है वो कम से कम सिक्सटी सेवन कंट्रीज से भी ज़्यादा के लोग फाइव कॉन्टिनेंट्स के जिसमें इतने लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और वो रोज़ उसको देखते हैं वरना वो वहाँ बैठ कर के भी सेवा कर रहा है, सेवा भी कर रहा है और अनेकों की दुआएं भी प्राप्त कर रहा है। घर वाले भी ठीक है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये बीमारी है लेकिन हमें इसकी सेवा कैसे करनी है पहले उनको भी यही चलता रहता था हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ तो दुख और दर्द में थे पालना कर रहे थे लेकिन एनर्जी कौन सी रेडिएट कर रहे थे नेगेटिव रिजेक्शन की दर्द की दुख की अब जब से उनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिली रोज़ मेडिटेशन करते हैं घर में सभी कनेक्ट करते हैं कहते इतनी हमें पावर मिलती है कि हम सब अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर लेते हैं क्यों क्या मैं नहीं जाते हैं क्या कर सकते हैं सारी एनर्जी उस दिशा में लगाते हैं और डॉक्टर्स हैरान हैं उसकी एज काफ़ी बढ़ गई है हर बार वो हॉस्पिटल जाता है कई बार डॉक्टर्स कहते हैं बस अभी शायद आखिरी बार होंगे वो फिर ठीक होकर के वापस आ जाता है फिर जाता है वो फिर ठीक होकर के वापस आ जाता है एंड इट इज सो वंडरफुल टू सी हिम और वो पता चलता है कि मेडिटेशन का प्रभाव है तो परमात्मा की कैसे मदद मिलती है कि ठीक है कोई कार्मिक अकाउंट हमारे सामने लौट करके आता है हमें वो क्रॉस भी करना पड़ेगा हमारा चैलेंज है हमें क्रॉस करना पड़ेगा पर उसमें सफरिंग नहीं है उसमें पेन है फिजिकल पेन और सफरिंग में फर्क है कि नहीं है एक है फिजिकल पेन है इसे कहते हैं पेन इज कंपल्सरी सफरिंग इज ऑप्शनल पेन है ठीक है आज मुझे बुखार भी है तो मुझे बॉडी एक तो होगा ना सफ़रिंग किसको कहेंगे मुझे कैसे बुखार हो गया कि कब ठीक होगा मुझे ये बीमारी क्यों हुई बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होंगी इलाज कैसा होगा पता नहीं कब ठीक होंगे नहीं ठीक हुआ ये क्या है सफ़रिंग तो मन के मालिक अगर नहीं बनते तन के मालिक नहीं बनते तो सफरिंग और वो सफ़रिंग ज़्यादा दुख देती पेन तो आएंगा चला जाएगा मेडिकल भी मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस हो गई है कि फिजिकल पेन से तो आपको रिलीफ कर देती है कि नहीं कर देती है? कर देती है कि नहीं कर देती कैंसर के पेशेंट्स भी होंगे तो भी ऐसे ऐसे उन्होंने चीज़ें निकाली हैं कि उनको फिजिकल पेन से वो रिलीव कर दें भले हील नहीं कर पाएंगे ये भी कह देंगे पैलिएटेटिव है शायद ये शरीर छोड़ ही देंगे लेकिन फिर भी उनको फिजिकल पेन ना हो तो कई तरह के उन्होंने ट्रीटमेंट्स निकालें मेडिकल साइंस भी आपको फिजिकल पेन से रिलीव कर सकती है लेकिन मेंटल सफरिंग से मेंटल सफरिंग से है कोई ऐसी साइंस जो रिलीव कर सकती है उसके लिए चाहिए स्परिचुअलिटी भगवान का प्यार भगवान की मदद क्योंकि भगवान का प्यार और मदद हमें ताकत देता है कि हम उस चैलेंज को क्या कर सकें एक्सेप्ट कर सके पार कर सके एक्सेप्ट करना एक चीज है कि हाँ ठीक है ये चीज मुझे अब डिस्टर्ब नहीं कर सकती और दूसरा है उसको फेस कर सके उस चीज को क्रॉस कर सके एक और एग्जांपल मैं सुनाती, जम्मू में थोड़ा समय पहले फ्लड आया था याद है आपको जम्मू में फ्लड आया था जिस समय फ्लड आया था तो वहां पर जो हमारा एक भाई था सेंटर ग्राउंड फ्लोर पे था अब जैसे सेंटर ग्राउंड फ्लोर पे था फ्लड का पानी आने लगा तो सब ने कहा कि आप ना ऊपर के फ्लोर पर चले जाओ तो जो नेबर्स का घर था थर्ड फ्लोर तक था तो सब ने कहा नहीं सब थर्ड फ्लोर पे चले जाएं गवर्नमेंट के भी ऑर्डर्स आने लगे अब अगर हमें पानी से हमारा घर बढ़ने वाला है या जो भी और हम थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं तो हमें क्या सोचता है कि हमें क्या क्या ले लेना चाहिए अपने साथ क्या ले लेना चाहिए वैल्यूबल्स अदर के मन में नहीं कि जो भी वैल्यूबल्स हैं वो हमें साथ में हमारा कोई पासपोर्ट है पैन कार्ड है कोई धन है कोई जो भी हमारे वैल्यूबल्स हैं हमें आता है कि इसको हमें ले लेना चाहिए खैर वो भाई ने दो मिनट मेडिटेट किया परमात्मा की याद में घर में बैठे मेडिटेशन रूम में बैठे तो उसको अब कैसे वो मदद करता है ये कनेक्शन हमारा कैसे वायरलेस कनेक्शन है ना तो हमें टचिंग होती है हमारी इंट्यूशन एक्टिवेट होती है हमारा विजडम एक्टिवेट होता है उसके संग में जाने से हमारी डिविनिटी एक्टिवेट होती जैसे आप फॉरेस्ट में जाओ या आप हिल स्टेशन पर जाओ तो शांति अनुभव होती है कि नहीं अब हिल स्टेशन पर अगर शांति होती हिल स्टेशन पर अगर शांति होती तो हिल स्टेशन पर रहने वाले सब शांत और खुश होते कि नहीं पर ऐसा नहीं है हिल स्टेशन के जो स्टिलनेस है हिल स्टेशन के जो स्टिलनेस है, वो हमारी शांति को इमर्ज करती है ऐसे परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से हमारी डिविनिटी हमारा विजडम इमर्ज होने लग जाता है वो कनेक्शन जुड़ते ही तो उसको बैठते ही संकल्प आता है कि घर में जितना खाना है वो ले लेना चाहिए और वो सारा खाना लेकर के थर्ड फ्लोर पे चले गए और जब थर्ड फ्लोर पे गए तो जब तक रेस्क्यू टीम आ सकती उनको लगभग तीन दिन तक वहाँ ऊपर रहना पड़ा और अगर उनके पास ये खाना नहीं होता तीन दिन थे या कितने दिन थे मुझे याद नहीं क्योंकि दूसरी फैमिली भी थी ये भी थे तो वो बच पाते क्या और बाद में उन्होंने बताया कि बाकी सारे जो वैल्यूबल्स थे आधार कार्ड पैन जो भी कुछ था वो तो गवर्नमेंट फ्री में बना के दे रही थी गवर्नमेंट को पता चला कि ये क्राइसिस था तो वो हर एक को फ्री में बना करके दे रही थी समझ रही थी कि इनके वैल्यूबल्स इधर उधर इस जो सिचुएशन है उसमें कहीं खो गए होंगे लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा उस समय वैल्यूबल थी आवश्यक थी वो क्या थी फूड खाना कहते अगर मैं नहीं उस समय मेडिटेट करता नहीं कनेक्ट होता तो शायद मुझे ये टचिंग ही नहीं होती ऐसे चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं पर उसके साथ कनेक्ट होने से उसकी मदद का हमें पल पल अनुभव होता है इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ रोज रोज़ रिश्ता जोड़ें उसके साथ बात करें और औरों से जो मदद मांगते हैं वो ठीक है कोई हर्जा नहीं है लेकिन मदद पहले किससे लें वही सुन ले वही गाइड करें उसको कहते ही हो ना आप लिब्रेटर भी हो गाइड भी हो दिए ना टाइटल उसको सारे सहायक भी हो खुदा दोस्त भी हो मुक्तिदाता भी हो सारे टाइटल दिए टाइटल का थोड़ा लाभ उठाओ ना मेरा ही है अपना ही है और किसी का नहीं अपने लिए ही आया है मदद करने के लिए ही आया है पर कनेक्ट करेंगे बात करेंगे तो मदद का अनुभव भी कर पाएंगे